पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर के कश्मीर संबंधी बयान पर सौरव कालिया के पिता ने पलटवार करते हुए कहा है कि जितनी उनकी उम्र है कश्मीर मसला उनसे कहीं पुराना है। अफरीदी बयान देने से पहले जरूर एक बार अपनी जानकारी दुरुस्त करें और सही बयान दें। गौरतलब है कि शहीद अफरीदी ने बयान दिया था कि कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले निर्दोष हैं और आर्मी वहां पर गोलियां बरसाती हैं। डॉक्टर एन के कालिया ने कहा कि शहीद अफरीदी को अपनी उम्र देखकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी उम्र अफरीदी की नहीं है कश्मीर मसला उससे कहीं पुराना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, ऐसे में कश्मीर की आजादी की बात करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी को इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ानी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। डॉक्टर एन के कालिया ने कहा कि कश्मीर में आर्मी के कारण ही शांति है और जो लोग वहां पर मासूमों को मार रहे हैं उनके लिए इस तरह के शब्द कहने से पहले अफरीदी को अपने इतिहास की सही जानकारी लेनी चाहिए। मैं जो शाहिद अफरीदी जी जो है जो कुछ समय पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान भी रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार कश्मीर का इतिहास देखें कि कश्मीर का इतिहास क्या है। उनको शायद उनका उम्र भी इतना नहीं है कि वे ऐसे टॉपिक के ऊपर मेरा सोचे समझे कोई ध्यान दे। कश्मीर भारत का अंग है, अंग था और हमेशा आने वाले समय में अंग बनता रहेगा। उधर कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा ग्रुप है या जो ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मतलब करते हैं तो उनके लिए हमारी पुलिस, हमारी सेना उनके लिए काफी है। आए दिन आम लोगों ये देख ही रहे हैं कि उनका भी क्या क्या हशर मतलब हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इस स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा कि वो जो औरों के मुकाबले में आके ऐसे नारे लगाते हैं करते हैं तो उनके लिए हमारी सेना, हमारी पुलिस उचित कार्रवाई करती है और आने वाले समय में भी करेगी।